आप सभी की डिमांड में मैं लेके आया हूँ आज मेरा सेटअप टूर। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट में पढ़ता हूँ अक्सर कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे सपोर्ट कर दो, मेरे को ये कर दो। अब आपको पीछे दिख रहा है, ये पीछे मेरा मट्टी का घर है। आज के टाइम में मट्टी का घर रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो आजू बाजू पूरी बिल्डिंग है लेकिन यहाँ पर मट्टी का घर है। और आपको सेटअप भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब मैं ऐसा रह कर सकता हूँ तो आप लोगों ने क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है, तो इतना पूरा मेरा मट्टी का घर है, ठीक है। अभी आजू बाजू देखूंगा पूरी बिल्डिंग है, और यहाँ पर मेरा सेटअप बता दो, सेटअप कौन से एंगल में है मेरे। तो ये मेरा सेटअप है, ये जो दिख रहा है ये मेरा पूरा सेटअप है। इसको खोल के बताऊंगा अंदर क्या क्या रहता है, सब कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और ये जैसे दिख रहा है मैं इसके अंदर, ये पूरा मेरा सेटअप का रूम है। सिर्फ एक ही रूम है और एक ही रूम में मैं अंदर पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आपको सेटअप खोल के बताऊंगा कैसे क्या अंदर रहता है, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं एडिटिंग कैसे करता हूँ वो भी बता दूंगा। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी चेयर दिखेंगी, ठीक है। चेयर के बाद ये यहाँ पर नीचे में तकिया रखा है, क्योंकि ठंडी का टाइम चल रहा है, यहाँ पर ठंडी लगती है। अगर पैर नीचे रहा तो सिंपली क्या होगा, ठंडी लगेगी, इसलिए मैं तकिया रखता हूँ वहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा टेबल है, टेबल में कुछ बॉक्स रखे और चश्मा रखा है, और यहाँ पर मेरा जेल रखा है। अब यहाँ पर मैं ये जेल का यूज़ क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे बाल खड़े रहना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक छोटा ट्राइपॉड है, जिससे मैंने स्टार्ट किया था एज अ वीडियो क्रिएट करना। देन उसके बाद ये मेरे बोट का हेडफोन, यहाँ पर ये बोट का हेडफोन लेना मेरे को जरूरी इसलिए था, क्योंकि एडिटिंग में मेरे को प्रॉब्लम जाती है, इसलिए हेडफोन लगा लेता हूँ तो सब कुछ क्लियर कट हो जाता है। और यहाँ पर गणपति पप्पा है छोटे से, यहाँ पर मैं एक बार नाम ले लेता हूँ फिर स्टार्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ताला लगा है। अब यहाँ पर ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर मैंने पूरे स्क्रिप्ट लिख के रखा है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट से ही मेरा सब कुछ काम होता है कि भैया मेरे को टॉपिक कौन से बनाना। अब यहाँ पर ये जो नोटबुक दिख रही है, नोटबुक का काम क्या रहता है, मैंने कल टॉपिक पे एक टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, उसका नाम क्या था, थंबनेल कैसे बनाए, आपको बताता हूँ स्क्रिप्ट कैसे लिखता हूँ और टैग कैसे लिखता हूँ। तो मैं इसको जैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इतना कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरा लिख लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं पूरा वीडियो क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर बोर्ड रखा है, ठीक है, बोर्ड से मेरी लाइटिंग सेटअप दिख जाएगा। अब मैं आपको लाइट ऑन करके बताता हूँ मेरे सेटअप ही रहती है। अब ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये थोड़ा सा ब्लर आएगा, लेकिन यहाँ पर 100-100 रुपए के पूरे लाइट लगा के रखा है। आप 100-100 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे सस्ते लाइट मिलते हैं। अगर यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करना है तो ये 100-100 रुपए के लाइट मिल जाएंगे, आप लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर टोटल मैं 500-600 रुपए के लाइट लगाया। अब यहाँ पर बैक साइड में देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पोशाक है, जो कपड़े हैं वो टंगे रहते हैं। क्यों टंगे रहते हैं, क्योंकि मेरे को डेली बाय डेली वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो डायरेक्ट यहीं पे सेट कर दिया। और यहाँ पर एक छोटी सी टी शर्ट टंगी है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आयना है, और ये मोबाइल है, मोबाइल जैसे दिख रहा है आपको, ये मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना कुछ किया तामझाम, आप मेरा मोबाइल देखोगे ना, मोबाइल देख के बोलोगे कि भाई सच में ये मोबाइल से एडिटिंग करता है। ये दिखाऊंगा जरूर, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर और क्या क्या है। अब ये चेयर में इतने सारे ये रखे हैं मल वगैरह। अब ये जो सेटअप है यहीं पे मैं सोता हूँ। क्यों सोता हूँ, क्योंकि मेरे को सवेरे उठना पड़ता है 4 बजे, 4 बजे से वीडियो की तैयारी हो जाती है। और ऊपर में लगी है पूरी टीन, पन्ने लगा के दिए थे। मैं वीडियो कौन से मोबाइल से शूट करता हूँ, कौन से मोबाइल से एडिट करता हूँ, तो यही मोबाइल है और यही मोबाइल से शूट करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बिहाइंड द सीन कि मैं शूट कैसे करता हूँ और मैं कैसे बोलता हूँ वीडियो में। अब मैं बिहाइंड द सीन में क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा क्या पोजीशन रहता है कि भैया मेरे को वीडियो बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चेयर दिखी है, ये चेयर जो मैं जिसमें बैठता हूँ, तो इसको यहाँ पर लगाता हूँ। देन उसके बाद सेकंड चीज रहती है, ये आईने को निकाल लेता हूँ। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, सबसे मेन बात, अब मेरा जो मोबाइल है उसका फ्रंट कैमरा खराब है पूरा, तो उससे क्या मेरे को अच्छा सा क्लैरिटी नहीं मिलती, तो मैं बैक साइड के कैमरे से बनाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्राइपॉड लगाता हूँ यहाँ पर मोबाइल के साथ, अब ये बैक साइड का पूरा दिख रहा है, यहाँ पर मेरा शूट होता है। देन उसके बाद स्टार्टिंग वैसी होती है, यानी वीडियो की स्टार्टिंग वैसे करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल चालू कर दिया। अब ये जो मेरा दोस्त खड़ा है यहाँ पर, तो वहां पर मैं खड़े रहता हूँ। कैसे खड़े रहता हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं ये कर लेता हूँ कि ये पूरे लाइट है पूरे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद अब यहाँ पर सेकंड चीज आती है माइक। अब ये जो माइक है मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ मेरे फोन के अंदर, यहाँ पर ये जो फोन लगा है तो इसमें लगा लेता हूँ। देन उसके बाद स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट लिख के रखे हैं, तो इतने सारे मेन पॉइंट है, पहले देख लेता हूँ अच्छे से कि भैया हाँ मेरे को ये बोलना है ये वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे बढ़ाते हैं, यानी बीच बीच में अटकते भी हूँ, ऐसी नहीं कि भैया मैं एकदम से पूरा बोल दूंगा और मेरा वीडियो बन जाएगा, लेकिन बीच में अटकना पड़ता है। तो आज तो सबसे पहली चीज रहती है, तो इधर देख के मैं बोलता हूँ कि भैया कैमरे का लेंस इधर, तो मैं ये बोलता हूँ आज की हमारी वीडियो में ये सब करने वाला हूँ कि भैया आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे बढ़ाना। तो मेरे हाथों के एक्सप्रेशन वगैरह दिख रहे हैं और मैं बीच बीच में अटकता हूँ। देन उसके बाद एडिटिंग की बारी आती है, तो इधर आता हूँ। देन उसके बाद आती है एडिटिंग की बारी। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि भैया मैं इसी से एडिटिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं इनशॉट में अपने जो वीडियो शूट किया हूँ
यहां पर मैं पूरे वीडियो को क्लैरिटी चेंज कर देता हूं, इससे क्लैरिटी अच्छी हो जाती है, बहुत सारे मेरे बैकअप वीडियो है। देन उसके बाद अब एडिटिंग की बारी आती है, बहुत से लोगों ने पूछे कि भैया मैं एडिटिंग कैसे करता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो काइन मास्टर ऐप दिख रहा है इसमें मैं जाता हूं। अब देखो मैंने कल जो थंबनेल पे कैसी वीडियो बनाई वो वाला वीडियो मैं आपको प्ले करके बताता हूं, अगर आपको यकीन नहीं होता लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने जिस इसको ऑन कर दिया तो ये एडिटिंग देखो कल की है, और बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता। और ये मोबाइल की कंडीशन की बात करूं तो अब मैं आपको बताता हूं इसका फ्रंट कैमरा मेरा कैसी है, नहीं तो मैं काई के लिए यार मेरे को इतना प्रॉब्लम होता था। तो यहां पर ये वीडियो शूट करता हूं, ठीक है, वीडियो पे ऐसी लगाता हूं फ्रंट कैमरा इतना गंदा आता है, क्यों आता है यार, एक मोबाइल वाले ने पूरा खराब कर दिया। तो इतनी सारी चीजें मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मेन बात आती है कि भैया आप कर सकते हो, हाँ 100% कर सकते हो, मैंने आपको जितने भी मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा सस्ते है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया मेरे पास उतने पैसे नहीं, मैं खाई के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्ट करूं, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट में 2 से 3 हजार रुपए इन्वेस्ट किए, देन उसके बाद वीडियो क्रिएट करना चालू कर दिया। अब यहाँ पर यह सोचना है कि भैया थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको यूट्यूबर बनना है या यूट्यूब वीडियो बनाना है। तो मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और देन उसके बाद क्या करना है कमेंट में बताना है कि भैया आपको वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।